भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्रीनगर के 15 कोर बदामी बाग में ड्यूटी पर तैनात आर्मी जवान अनुज कुमार का पार्थिव शरीर आज अहले सुबह उनके पैतृक निवास स्थान बांका के शंभुगंज प्रखंड के बंसीपुर पहुंचा, जहां अनुज के अंतिम दर्शन को लेकर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग बड़ी संख्या में जवान को नम आंखों से विदा करने और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। अंतिम दर्शन करने वालों में सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, तारापुर विधायक राजीव सिंह कुशवाहा, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, अमलपुर से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर सहित बड़ी संख्या में आसपास के कई गांव के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर मृणाल शेखर ने जहां सरकार से दुश्मनों से चुन चुनकर बदला लेने की बात कही, वहीं स्थानीय लोगों में सेना के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि जवान की अंतिम विदाई में जो सेना के जवान की सुविधा मिलती है वो कोई भी सुविधा अनुज को प्राप्त नहीं हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों और नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। अनुज का रहस्यमयी ढंग से मौत हो गया है। अगर क्या रहस्यमयी ढंग से मौत हुआ है, किस कारण से हुआ है, अगर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ तो घर से कोई बंदा क्यों नहीं बुलाया गया। पोस्टमार्टम हुआ था तो घर से मम्मी जाते, पापा जाता, बड़ा भाई जाता, एनीवे कोई जाता। इसके एब्सेंटी में इनका जो पोस्टमार्टम हुआ वो क्यों हुआ, पहली। दूसरी, अगर इसका जो मोबाइल है, मोबाइल हम लोग को क्यों नहीं मिला, मोबाइल जो इसका था उसमें क्या रिकॉर्ड किया था, इसे नहीं किया था, वो हमारे को इसका न्याय चाहिए। इंडियन आर्मी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, ना ये फील्ड एरिया में रहते हुए इसको गार्ड ऑफ ऑनर का दर्जा नहीं दिया गया। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ऑपरेशनल एरिया में है, चाहे जिस तरह का केस है, ये कौन सा नियम कानून है, इस हिसाब से गार्ड ऑफ ऑनर का इसको क्यों नहीं प्रावधान हुआ। खुद है भारतीय सेना का अधिकारी से कि आज जो आज नहीं, मुलायम सिंह जब हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री था उस समय आदेश पास किया है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिलिट्री हो कि पैरा मिलिट्री हो, उसका जो है किसी तरह से क्षति होता है, उसका घर तक उसका डेड बॉडी बाय इज्जत पहुंचेगा और उसको जो है श्रद्धांजलि दिया जाएगा लास्ट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में। ऐसा फिलहाल हुआ है, उधाड़ी में ऐसा कांड हुआ है, उसको बाय इज्जत यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके अंत्येष्टि किया गया है। तो आज हमारे समाज में इस तरह का हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं है, ये भारतीय जो है फोर्स के साथ में हमारा ये अनुरोध है और हमारा शिकायत है कि इसका इंक्वायरी किया जाए। हम लोग आज इस दुख की घड़ी में गांव आए हैं ताकि हम लोग वीर अनुज के शव पे श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और जितना भी हो सके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार का साथ दे सके, गांव के समाज के लोगों के साथ रह सके। इतने ये तो वीरों की धरती है और गर्व होता है कि इस गांव के अधिकांश बच्चे आर्मी में भारत के लिए अनेकों जगह पे पोस्टिंग पर लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुख होता है जब नौजवान बच्चे शहीद होकर घर लौटते हैं। जी, हम लोग को मालूम हुआ कि बंसीपुर के नौजवान साथी देश के लिए शहीद हुआ है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे और उनको समाज की तरफ से और तारापुर विधानसभा की तरफ से हम श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ और यहाँ के लोगों के साथ हैं। करोड़ों देशवासियों की रक्षा में ऐसे वीरों का जो सर्वोच्च बलिदान होता है, जिनकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है, देश के सीमा पर सरहद पर ये निगरानी करते हैं दुश्मनों से देश की, हमारी और भारत माता की रक्षा का व्रत लेकर ये कार्य करते हैं। आज वो शहीद हुए हैं। रात में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, हजारों लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नम आँखों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं भी उस क्षण का साक्षी बना और इस यात्रा में शामिल मैं भी हूँ और उनको सब लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब तक
ऐसे वीर हैं तब तक पूरा देश सुरक्षित है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और सरकार से भी आग्रह है कि ऐसे वीरों का बलिदान व्यर्थ ना जाए और जो दुश्मन है उनको चुन चुन कर उनका खात्मा होना चाहिए।